संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में फिलिस्तीन ने मध्य पूर्व में शांति के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की शांति योजना को खारिज कर दिया। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने योजना को इसराइल के लिए बनाया गया दस्तावेज कहा और यह भी कहा कि ट्रंप की इस योजना से नाटो इलाके में स्थायित्व आएगा और न ही शांति की उम्मीद की जानी चाहिए। इसराइल और फिलिस्तीन के बीच गाजा और वेस्ट बैंक को लेकर लंबे समय से चल रहे विवाद को खत्म करने के मकसद से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मध्य पूर्व शांति योजना लेकर आए और ट्रंप अपनी इस योजना को डील ऑफ द सेंचुरी कहकर बुलाते हैं। लेकिन इस योजना के बाद गाजा में एक बार फिर तनाव बढ़ता दिख रहा है, जिससे इसराइल और फिलिस्तीनियों के बीच अमेरिकी शांति योजना की पहल को झटका लगा है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मिडिल ईस्ट शांति योजना को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में जोर देकर कहा कि इससे ना तो स्थायित्व आएगा और ना ही शांति की उम्मीद की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि वो संयुक्त राष्ट्र के 1967 पूर्व दो राष्ट्र के प्रस्ताव के आधार पर बातचीत करने को तैयार हैं। ويكفي لرفضها من قبلنا انها تخرج القدس الشرقية یہ ہمارے دوارا اسویکار کر دیا گیا تھا کیونکہ اس کا ماننا ہے کہ پوروی یروشلم اب فلسطین راج کی سمپربھوتا کے آدھین نہیں ہے۔ یہ اکیلی وجہ ہمارے لیے اس یوجنا کو خارج کرنے کے لیے کافی ہے۔ یہ فلسطین کو ہماری بھومی، وایو اور سمندر پر کسی بھی نینترن کے بنا کھنڈے چھوڑ دیتا ہے۔ یہ فلسطینی شرنارتیوں کے سوال کا انت کر دے گا۔ یہ شانتی یوجنا کے لیے سبھی آدھاروں کو سماپت کر دے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ سبھی سمجھوتوں اور دائیتوں کی اسویکرتی پورو 1967 کی ریکھاؤں کے ساتھ دو راجیوں کو استھاپت کرے گی۔ یہ یوجنا شانتی یا استھرتا نہیں لائے گی اس کھیتر کے لیے اور اس لیے ہم اس یوجنا کو سویکار نہیں کریں گے۔ ولهذا فإننا لن نقبل بها وسنواجه تطبيقها۔ फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने ट्रंप के प्रस्ताव को अरब शांति के खिलाफ बताया और कहा कि ये प्रस्ताव फिलिस्तीन के नागरिकों के वैधानिक अधिकारों, उनकी स्वतंत्रता और फिलिस्तीन की आज़ादी की अवमानना है। राष्ट्रपति अब्बास ने कहा कि प्रस्तावित योजना में फिलिस्तीन की राजधानी के लिए अबुदिस का प्रस्ताव मंजूर नहीं है। उन्हें ईस्ट यरूशलम में ही राजधानी बनानी है, जिस पर इसराइल ने अनाधिकार अधिकार बना रखा है। वहीं इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ट्रंप की योजना का समर्थन किया। फिलिस्तीनी राष्ट्रपति मोहम्मद अब्बास कहते हैं कि ये स्विस चीज है, तो मैं अबू मजेन से कहना चाहता हूँ कि ये स्विस चीज नहीं है, बल्कि ये मध्य पूर्व इसराइल राज्य और फिलिस्तीनियों के लिए सबसे बेहतरीन योजना है, क्योंकि ये दर्शाता है कि कैसे ये इसराइल के लोगों को अधिकार दिलाता है। पर आप तो दोनों ही बातों को नकारते हो। मध्य एशिया में गाजा पट्टी का विवाद काफी पुराना है। दरअसल 1948-49 के अरब इजरायली युद्ध के बाद गाजा पट्टी अस्तित्व में आया और तभी से इस पर विवाद भी जारी है। इसे लेकर कई बार संघर्ष चरम पर पहुंच जाता है। 28 जनवरी को ट्रंप ने व्हाइट हाउस में इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के साथ पश्चिम एशिया शांति योजना का खाका पेश किया था। इसमें यरूशलम को इसराइल की अविभाजित राजधानी के रूप में मान्यता देते हुए द्वि राष्ट्र समाधान का आह्वान किया था। उन्होंने 80 पन्नों की योजना की रूपरेखा तैयार की थी, जिसे फिलिस्तीनियों ने इसराइल के लिए बनाया दस्तावेज कहकर खारिज कर दिया। इस मौके पर फिलिस्तीन की तरफ से वहां कोई नहीं था, लेकिन ओमान, संयुक्त अरब अमीरात और बहरीन के राजदूत मौजूद थे। इस दौरान व्हाइट हाउस ने इसराइल और फिलिस्तीन की सीमाओं को दर्शाते हुए एक नक्शा भी पेश किया। फिलिस्तीन शांति प्रस्ताव को पूरी तरह इसराइल का पक्षधर बता रहा है। वहीं संयुक्त राष्ट्र प्रमुख एंटोनियो गुतारेस ने कहा कि इसराइल और फिलिस्तीन संघर्ष संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों, अंतर्राष्ट्रीय कानून और द्विपक्षीय समझौते के आधार पर सुलझाने के लिए कोशिशें जारी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट,